नमस्कार दोस्तों, शुरुआत हो गई है एक और नए वीडियो की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। जैसे आपने पिछले सभी वीडियो को बहुत चाहा है, लाइक किया है, आगे शेयर भी किया है और कमेंट भी किए हैं आपने, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी बहुत अच्छा पसंद आएगा। ये वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे कि इस बार हम जा रहे हैं दिल्ली के पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं हम। डिस्टेंस जो है 150 किलोमीटर की डिस्टेंस है और पहुंच के आपको दिखाते हैं। वैसे आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम नीमराणा फोर्ट जा रहे हैं, तो नीमराणा फोर्ट के अंदर हम आज की नाइट स्टे करेंगे वहाँ पे और दिखाएंगे आपको कि वो प्रॉपर्टी कैसी है और उसके जो क्या रेट्स हैं, क्या चार्जेस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए मानेसर के टोल पे, अभी ये टोल क्रॉस करेंगे और यहाँ से अभी 2 घंटे का रास्ता और है। ये आ गए हम नीमराणा के टोल पे। चल रहे हैं हम अभी गलियों के अंदर, तो रास्ता ऐसा ही है गलियों से पहुंचने का। तो आप भी आओगे तो ऐसे ही रास्ते मिलेंगे आपको जाने का। तो हम पहुंच गए होटल नीमराणा फोर्ट। तो यहाँ पे अंकल जी ने हमारी गाड़ी की एंट्री कर दी है। एंट्री करके उन्होंने बोला आगे से राइट और फिर लेफ्ट। तो अभी देखते हैं, यहाँ से राइट हो गए, राइट हो गया, अब यहाँ से है लेफ्ट। तो ये पार्किंग एरिया है, हम यहाँ पे गाड़ी को पार्क करेंगे और जाएंगे रिसेप्शन पे। रिसेप्शन की तरफ जाते हुए दोस्तों, हम बैठे यहाँ पे लाउंज एरिया में। तो ये इस तरीके का लाउंज एरिया है यहाँ पे। जब आपको रूम मिलेगा तो रूम आपका तैयार होगा, उस टाइम तक यहाँ बैठना है आपको। हम लोग बैठे हुए हैं यहीं पे अपने रूम का वेट कर रहे हैं, रूम कब मिलेगा। जब मिलेगा हमको बताएंगे और लेके जाएंगे आगे। ऐसे गेट है और गेट खोलते ही ये कुछ इस तरीके का दिखता है। पहला जो नजारा दिखता है कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये रिक्शे पीछे रिक्शिता खड़ी है। ये स्टेयर्स से नीचे उतरो। ये रहा मिरर सामने। सबसे पहले ये देख रहे हैं यहाँ पे फोर्ट है, तो
जो खिड़कियाँ का शेप है वो भी देखो डिफरेंट सा है, बिल्कुल कुछ यूनिक सा है। सबसे पहले एंटर होते ही लेफ्ट साइड में ये गेट सा बना हुआ है, इसके अंदर देखते क्या है। ओके वॉशरूम है और छोटा सा है तो बहुत बड़ा है रूम। तो उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, एक कैबिनेट पड़ी है जिसके अंदर फ्रिज है, फ्रिज के अंदर चीज़ें पड़ी हैं जो कि आप यूज़ करोगे तो उसके चार्जेस लगेंगे, और ऊपर भी चीज़ें हैं, इसमें टी कॉफ़ी है, कुछ चीज़ें यहाँ पड़ी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें खाली कप्स वगैरह ही है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे एक ड्रेसिंग के लिए, आपको तैयार होने के लिए एक बैठने का सिटिंग है प्लस मिरर है, ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे भी दो पानी की बोतलें हैं, कप्स और गिलासे, यहाँ पे भी खिड़की है, रूम के चारों तरफ खिड़की है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे ये एक सोफ़ा लगा हुआ है, यहाँ पे दो चेयर्स ये रही इस तरह से कुछ, और ये बीचों बीच में जो है देखो आप क्या मस्त लग रहा है, बीचों बीच में बेड लगा हुआ है और काफ़ी ऊंचाई पे है बेड भी। फिर आ जाते हैं और आगे एक डेस्क दे रखी है आपके काम पे, वर्क स्टेशन की तरह, स्पा के लिए भी है किसी को अगर स्पा कराना हो तो। यहाँ पे एक और दिख रहा है गेट, देखते हैं अब इसके अंदर क्या है। ओ ये तो फिर से रिशू आ गई, ओ ये तो बहुत बड़ा है भाई है। ये आ गई हमारी टॉयलेट सीट, टॉयलेट सीट के पास में सिटिंग अरेंजमेंट, भैया अगर किसी को किताब विताब पढ़नी हो तो यहाँ बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन कौन ही पढ़ेगा, पढ़ने वाले पढ़ भी सकते हैं। ये रहा एक मिरर, फिर ड्रायर दे रखा है आपको, साबुन दे रखा है, डेंटल किट है। तो मेरे को ये जो शेप्स दे रखी हैं वुडन की, और ये सबसे मस्त लग रहा है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे बाथिंग एरिया, इस साइड में बाथिंग एरिया आ जाता है, छोटा सा है पर लेकिन अच्छा है। ये रहा छोटा सा बाथिंग एरिया, ये बैठे हुए आते ही काम पे लग गया। ओके ये देखो भाई, ओ ये तो मिरर है भाई, को देखो यहाँ पे, रात नींद ना आए तो खुद को देख लो। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी है, बालकनी भी है हमारे वाले में, जहाँ से कुछ अभी दिन में तो इस तरह का नज़ारा है। ये पूरी राउंड बालकनी है रूम के चारों तरफ, दिन में कुछ इस तरह का दिख रहा है। ओह यहाँ से ऊपर का नज़ारा भी दिख रहा है। पूरे रूम के चारों तरफ है ये बालकनी, पूरी ऐसी गोल घूमती हुई। ये फर्स्ट वॉशरूम से शुरू होती है और घूमते घूमते मेरे ख्याल से शाम को जब थोड़ा ठंडा हो जाता होगा मौसम तब ज़्यादा अच्छा लगता होगा यहाँ पे बैठने में, क्योंकि आपको सामने एक तो ठंडक मिलेगी, सामने नज़ारा अच्छा है, पहाड़ दिख रहे हैं प्लस गांव दिख रहा है, पूरा शहर ही है मतलब ऑलमोस्ट, गांव भी कहाँ ही गएंगे इसको। और इतना मस्त फोर्ट है सेकेंड वॉशरूम तक का। अच्छा गीजर यहाँ पीछे लगा रखा है इन्होंने, फिर से राजा जैसा ही इससे मैच करते हुए ये तैयार किया है। और यहाँ से लेके हम जितना भी इधर राइट टर्न करेंगे ये सारा मिल पाता है, जो ढूंढा के बाद का तैयार किया है, जो बैल था वो बैल जैसा है गोल्डर वाला, यहाँ से उसको बंद किया है, ये टैक्स बना गया है, इसका नाम रखा है शतरंज, क्योंकि जो हमारे पीछे डेस्क है सर यहाँ पे राजा कभी चेस खेलते हैं,
ये चर्च में यूज होता था, इसी वजह से इस एरिया का नाम सतरंग टेरिस नाम रखा हुआ है। अभी क्या है सर, जब होटल स्टार्ट हो गया है तो उसी हिसाब से हम हर कोने को, हर प्लेस को होटल के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। जब सर्दियाँ होती है, जब काफ़ी अच्छा मौसम के हिसाब से, तो होटल के हिसाब से चाय कॉफी होता है, हाई टी होता है, हम यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, ताकि अच्छे मौसम के साथ, अच्छे व्यू के साथ गेस्ट यहाँ। सर देखिए, जो भी राजाओं के समय उनके पर्सनल रूम थे, जैसे राजा का, रानी का, उनके माता जी के जो भी रूम थे, अभी क्या होटल स्टार्ट हो गए तो हर रूम को हमने एक गेस्ट रूम तैयार किया हुआ। हमारे पीछे देखिए तीन वेंटिलेटर, ये 1, 2 थर्ड, जो राजेंद्र सिंह चौहान के फादर थे, राजा उमराव सिंह जी, उस समय यहाँ पेंटिंगों की जगह 3 दरवाजे होते थे जो अंदर बाहर आने जाने के लिए यूज किए जाते थे, और इसके अंदर उनके दरबार होता था, जो राजेंद्र सिंह चौहान के फादर थे उनका यहाँ पे दरबार होता था। मगर जब इस होटल का रिनोवेट किया गया तो ये सब दीवारें लगा के, आर्चे बना के एक पेंटिंग बनाया यहाँ पे, और इसको एक बेडरूम तैयार किया है, जिसका नाम रखा है चंद्रामहल। इसमें जब उस समय ऐसा मटेरियल लगा हुआ है कि यहाँ पे गर्मियों में एसी की जरूरत नहीं रहती, ये काफ़ी ठंडा रूम रहता है, और पूरे रूम में हमने व्हाइट वॉश किया हुआ है, तो उसी के हिसाब से इस रूम का नाम चंद्रामहल दिया हुआ है। जब इस होटल का 91 में स्टार्टिंग किया था तो यही एकमात्र एक ऐसा रूम था हमारे पास, तो सबसे अच्छे, सबसे बड़ा है, तो सबसे शीत रूमों में आता था। सर इस प्लेस पे हमने छोटे बड़े सभी के लिए झूले डाले, हिंडे डाले, हिंडे यहाँ पे छोटे बड़े काफी हिंडे डाले करके, उसी हिसाब से इस एरिया का नाम रखा है ढिंडोरा। जब 91 से इस होटल ने स्टार्टिंग किया, उस समय हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे। ये जो एरिया है सर, ये उस समय का हमारा डाइनिंग एरिया है, हम बैठो यहीं पे खाना खाते थे, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सभी हमारे यहीं पे। और हमारे पीछे जो आर्चे बनी हुई है छोटी छोटी, ये उस समय का चेकिंग ऑफिस था सर। एक आर्च में हमने चेकिंग डेस्क रखा हुआ था, एक में चेकआउट डेस्क रखा हुआ था। 5 रूम थे सर इस लेवल पे थे, और 7 रूम थे इसके ऊपर वाले फ्लोर पे थे। तो इन दोनों फ्लोरों को मिला के 91 से निमराना ने 12 रूमों के साथ यहीं से स्टार्टिंग किया गया। इसके अलावा सर एक गेस्ट रूम तैयार किया हमने इस कॉर्नर में, जिसका नाम माता महल दिया हुआ है, क्योंकि जो लास्ट के राजा थे राजेंद्र सिंह चौहान, उनकी माता जी का ये रूम होता था, तो हमने इस रूम का नाम माता महल दिया, और ये 4 लोगों की ऑक्युपेंसी का रूम तैयार किया हुआ है। पार्टी ये था जिसका नाम हवा महल दिया हमने, इसमें सर काफी विंडो लगी है, काफी एयर आती है, उसी हिसाब से इस एरिया का नाम हवा महल दिया। और इस हवा महल के बिल्कुल फ्रंट में एक राजाओं के समय की गद्दी बनी हुई है, जो राजा वहाँ उस समय बैठते थे, और उनके जो भी कल्चर प्रोग्राम रखे जाते थे इधर वाली साइड पे लाए जाते थे। तो जैसे सर मैंने आपको बताया था कि हम भी वही कोशिश कर रहे हैं पुराने समय के राजाओं के समय की कुछ मिलते जुलते हिसाब से, तो जब भी हम दर्शकों के लिए म्यूजिक टाइप का कुछ प्रोग्राम कराते हैं हम यहाँ पे, तो यहीं पर कराते हैं। मगर आज के लिए क्या है सर, डांस प्रोग्राम है, तो यहाँ से शिफ्ट करके हमने एम्फी थिएटर पे रखा हुआ है, जिसका टाइमिंग 7 to 8 रखा हुआ है, तो सभी वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। 7 to 8 आपको सभी को वहाँ जाना रहेगा, आप जा सकते हैं वहाँ पे। और सर इस एरिया का नाम जैसे मैंने बताया हवा महल दिया हुआ है, ये हमारा आला कार्ट रेस्टोरेंट बना रखा है होटल के हिसाब से, और जो आपका हाई टी रहेगा वो 5 से 6 बजे के बीच यहीं पर रहेगा, तो सभी थोड़ा हम घूम के आएंगे, उसके बाद आप 5 बजे रेडी हो जाएंगे, और 5 बजे आपका चाय कॉफी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। जिसको हम जनाना रेडी बोलते हैं, वो रानी के रूम, रानी के साथ सभी लेडीज इधर रहती है। ये कॉर्नर पे सर अभी एक गेस्ट रूम तैयार किया है, जिसका नाम हमने शीश महल दिया हुआ है, मगर ये उस समय रानी का रूम होता है। जो ये पीछे सर छोटी छोटी ये जालियाँ लगी है, इन जालियों के पीछे चारों तरफ से एक कॉरिडोर बना रखा है, जो अंदर की तरफ से हम घूमकर बाहर की तरफ देख सकते हैं। तो उस समय बताते हैं कि रानियाँ बाहर नहीं जाती थी, तो अपना समय वो ऐसे ही करती थी, इनके चारों तरफ घूमकर वो बाहर का नज़ारा देख पाती थी। हाँ जी। और सर एक ये जो बड़े ग्लासेज लगे हैं, ये राजा का उस समय का डाइनिंग एरिया था, तो राजा का खाने पीने का काम यहीं पर होता था, तो इसी हिसाब से हमने भी गेस्टों के लिए यहाँ पे बाहर चला रखा है। ये सर 2 पार्ट हो चुके हैं सर जी, ये 2 पार्ट हो चुके हैं, एक ये पार्ट है, एक ये वाला हुआ है, और अभी जो मर्दाना पार्ट होते हैं, जेंट्स पार्ट होता है, वो अभी नेक्स्ट आ गया। रोज कढ़ाई टाइप के बड़े बर्तनों में कलर मिला के यहाँ रखे जाते थे, और होली वाले दिन ये वाला एरिया होली के लिए यूज किया जाता था, जो राजा और उस समय जो लोग किले में रहते थे, होली के दिन यहीं पर होली खेले जाते थे।
तो हमने इस एरिया का नाम रखा है होली कुंड, और हमारे पीछे ये 5 आर्चें बनी हुई है, तो हमने इस एरिया का नाम दिया है पंचमहल। जो लास्ट के राजा थे राजेंद्र सिंह चौहान, उनका यहाँ दरबार होता था, और इसी के ऊपर उनके 2 रूम्स बने हुए थे सर। एक का नाम फ्रांसीसी जी रखा है, और जो सेकंड रूम है उसका नाम रखा है बादल महल। तो ये उस समय राजा के रूम थे। और ये वाला एरिया सर हम सर्दियों के लिए डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, किसी न किसी मेनू के लिए इस जगह को यूज में लेते रहते हैं। जस्ट अभी हम आगे चलेंगे सर, उस एरिया का नाम रखा है आम खास। जब यहाँ दरबार होता था तो दीवाने खास इधर और आम लोग उधर, तो उस एरिया का नाम रखा गया है आम खास। सर देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, जो सबसे फर्स्ट में जो राजा राजदेव सिंह चौहान आए थे, जहाँ पे हम खड़े इस प्लेस को उन्होंने सबसे सुरक्षित मानकर पहाड़ पे उन्होंने किले की नींव यहाँ पे रखी। यहाँ से उन्होंने ये किला बनाना स्टार्ट किया। जैसे कि सर अपने इंडियन कल्चर में होता है, जब भी कोई भवन या शुभ कार्य करते हैं तो हर लोग भूमि पूजन या मंदिर जैसी चीज़ें स्थापित करते हैं। तो हमारे पीछे जो मंदिर बना रखा है, ये उनकी राधा जी की कुलदेवी का मंदिर होता था, जो सबसे फर्स्ट में उन्होंने ये तैयार किया था, जिसका 1464 में ये बनाया गया था। तो ये जब से सर ये वाला मंदिर ही एक ऐसी है जो यहाँ पे बना हुआ है, यानी था यहाँ पे जो हम बिल्डिंग देख पा रहे हैं, ये सब उस समय गिर चुका था, 1986 तक ये बिल्कुल गिर चुका था। फिर से हमने इसका रिनोवेट करके इस फ्लोर का यहाँ पे 6 रूम तैयार किए हैं, प्लस में इसके ऊपर वाले फ्लोर पे 3 रूम और ऐड किए हैं सर। एक इधर कॉर्नर में तैयार किया हमने, एक हमारे पीछे यहाँ पे तैयार किया है, और हमारे एक यहाँ ऊपर बना रखा है सर। तो सर जी 6 यहाँ नीचे हो गए थे और 3 ऊपर हो गए थे, तो ये टोटल यहाँ पे 9 रूम हो गए थे, जो 9 उसमें स्टोनों के नाम पे, नवरत्नों के नाम पे इनके नाम रखे हुए थे। जो डिफरेंस हो के पैंची के 9 रूम पूरे किले में सर एक साथ यहीं पर बने हुए हैं। कभी चाहिए आप अगर घूम में आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि आप 9 रूम लेना चाहेंगे तो यहाँ पे एक साथ आप उनको ले सकते हैं। सर जी देखिए, जितना विजिट कराया मैंने अब तक, ये था आपका पुराना किला, और हम पहुँचो गए आप जहाँ खड़े हैं, ये है न्यू पार्ट। जो हम नीचे 1740 से इसका लोकेशन आपको बता रहे थे, दिखा रहे थे कि ये न्यू पार्ट है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये जब पुराना किला सर हमारे होटल के रूम में चला हुआ था, उस समय गेस्टों के कमेंट थे कि ओपन एरिया में खाना लगवाओ अच्छा लगेगा, तो ये गार्डन तैयार किए हैं सर। जहाँ पे हम खड़े एक गार्डन ये है, जिसका नाम हमने मुगल बाग नाम रखा है। सेकंड गार्डन सर आगे है, जिसका नाम हमने रखा है ऊंचा बाग। तो इन दोनों गार्डनों में सर्दियों में हम डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट यहीं कराते हैं। और सर जी ये जो बिल्डिंग है, 10 रूम इधर बना रखे हमने, उधर राइट में जो बिल्डिंग बना हुआ है 10 रूम उधर बने हुए हैं, और इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में आगे जाके एक सेकंड स्विमिंग पूल बना हुआ है। तो ये जितना हम देख पा रहे हैं निमरान फोर्ट का एक हिस्सा बना हुआ है सर, जो हमारा गाइड टूर होता है यहीं तक होता है सर, यहाँ पे समाप्त होता है। और सर 5 बज चुके हैं, जो आपका चाय कॉफी का टाइम है वो स्टार्ट होता है सर। तो ये पूरा निमरान फोर्ट से व्यू है निमरान सिटी का, नीचे स्विमिंग पूल भी है, और पूरा आपने अभी इस फोर्ट का गाइड टूर लिया, जो गाइड ने बताया पूरा का पूरा। तो अब हम जा रहे हैं हाई टी के लिए, वहाँ पे चाय और स्नैक्स का बंदोबस्त है, और मदर्स डे पे भी कुछ स्पेशल केक सेरेमनी ऑप्शन बनाया उन्होंने वहाँ पे, तो वो जाके देखते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हाई टी के ऊपर, यहाँ पे है प्याज की कचौरी, कुकीज़, और ये क्या है, टी कुकी, अच्छा, और ये चटनी है और चाय भी है। और ये सामने इस तरीके का स्टॉल एक लगा रखा है इन्होंने, इस स्टॉल से आप लो जो खाना पीना है, और चाय भी वहीं पे है, और चाय के लिए भी गिलास है, जैसे टपरी पे होती है ना गिलास, ये देखो ये रही गिलास। तो हम करते हैं यहाँ पे हाई टी का एंजॉय और फिर चलते हैं। Thank you.
मदर्स डे तो दोस्तों यहाँ पे मदर डे का सेलिब्रेशन किया गया है। अभी जो आपने देखा एंजॉय किया होगा आपने, जितने भी मदर्स थे यहाँ पे आज आई हुई हैं उनको केक काट के उनको थोड़ा फीलिंग करवाया। अच्छा सारी मदर्स को अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा? बढ़िया लगा, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया था। ये यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए भी बना रखा है स्पेस। ये आ रही है रिशिता नीचे से, कहाँ अटक गई? देखो इसमें वॉल क्लॉक बनी हुई है। यहाँ पे इस समय 6:15 बज रहे हैं टाइम। ये देखिए पिकॉक भी बैठा हुआ है यहाँ पे। और ये नीचे है एम्फी थिएटर, यहाँ पे 7 बजे कल्चरल एक्टिविटी मतलब कल्चरल डांस होगा यहाँ पे, राजस्थानी फोक डांस, वो हम देखने आएंगे थोड़ी देर में। अभी आप देखोगे तो टाइम 6:30 हो रहे हैं घड़ी के अंदर, तो जब 7 बजेंगे तब हम यहाँ पे आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे रूम पे और जाके वहाँ पे इंजॉय करेंगे। तो परिषिता को इसमें बांध के उड़ा देते हैं इसको। ये सामने सनसेट होता हुआ, अभी टाइम है सेट होने में। और ये देखिए पूरा नीमराना विलेज कह लो, शहर कह लो, सिटी कह लो, जो भी कह लो, बस ये नीमराना का व्यू है यहाँ से। और ये पार्किंग एरिया है नीचे, ये जो नीचे गाड़ी खड़ी है ये सारी पार्किंग एरिया है, इस फोर्ट की प्रॉपर्टी का एरिया है। कुछ नीचे उधर तरफ खड़ी है, कुछ इधर खड़ी है और कुछ इधर खड़ी है अंदर की तरफ। तो आप आओगे तो आपको गाड़ी यहाँ पे लगाने को मिलेगी या फिर इधर लगाने को मिलेगी, और यहाँ पे गाड़ी रख के चाबी देके आपको फिर अंदर एंटर करना पड़ेगा रिसेप्शन से। और ये टोटल इस फोर्ट के अंदर 81 रूम्स है। ये सामने दिख रहे नई प्रॉपर्टीज़ है और लेफ्ट साइड के अंदर ओल्ड प्रॉपर्टी है, जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे पहले उसने जब गाइड टूर गाइड हो रहा था उसमें बताया था डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से। तो ये सामने नई न्यू प्रॉपर्टी बनी है और इसके चार्जेस जो हैं आपको इनकी वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं। और ये अब बस सनसेट होने ही वाला है। तो यहाँ पे गेट पे दो दरबान खड़े हैं, उन्हें डिनर दिया हुआ है। कौन सूप? ये दाल बाटी चूरमा है, दोनों।